अलक नंदा के सहायक नदी। मैं आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहां से गंगा जी होके गुजरती है उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहां पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहां प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा SDRF, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहां पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहां के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है और हम लोग यहां पे SDRF की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहां के नागरिकों के साथ।